कामन जय विजय के बारे में। कामन जय विजय मैंने सर्वभोजिता, सर्वभोजिता मीन्स ईटिंग टूगेदर। तो कामन जय विजय ये एक ऐसा इंटरेक्शन है जिसको पार्टी व जीरो, वट इज गेटिंग बेनिफिट बट अदर इज नाइदर गेटिंग बेनिफिट नॉट हार्म। तो कामन जय विजय इज ए टाइप ऑफ इंटरेक्शन इन विच वन स्पीसीज इज गेटिंग बेनिफिटेड बट अदर स्पीसीज इज नॉट गेटिंग एनी बेनिफिट। जैसे यहाँ देखिए शार्क है, यहाँ शार्क के बैली में यहाँ इनसे चिपक जाते हैं ये, और यहाँ चिपक करके इनके पास शकर है, निमोला फिश के पास शकर है, शकर हेड पे उसी से चिपक जाते हैं, और जब ये भोजन खाएगा कुछ छूटेगा ये उसको खा लेते हैं। तो इसको हम देखें इस तरह से कि यह शार्क हो गई और यहाँ पे यह निमोला फिश इससे चिपकी हुई है, इसके इससे चिपकी हुई है, इसे ये चिपक गई है, यह शार्क है। तो शार्क की वजह से इसका प्रोटेक्शन भी होता है, लेकिन शार्क कैसे भोजन खाया या छूटा हुआ भोजन को ये खा लेती है। तो रिमोला फिश, इसको कहते हैं रिमोला फिश या शकर फिश, और इसको कहते हैं शार्क। तो शार्क तो वैसे ही बड़ी है, इसको कोई हार्म नहीं कर सकता, शार्क बड़ी है तो शार्क से इसका प्रोटेक्शन होता है, इसको भोजन मिलता है, इसलिए रिमोला फिश इज गेटिंग बेनिफिट फ्रॉम शार्क। बट शार्क इज नाइदर एनी गेटिंग बेनिफिट, नाइदर एनी बेनिफिट फ्रॉम रिमोला और नाइदर गेटिंग एनी हार्म। तो इस तरह से इसको हम क्या कहेंगे, कॉमन जेलिजम कहेंगे। इसके अलावा भी देखते होंगे कि कुछ पौधों की टहनियों पे आर्किड्स उगते हैं, बड़े बड़े पौधे हैं उनकी टहनियों पे आर्किड्स उगते हैं, तो आर्किड्स की पत्तियां ऐसे ऊपर में होती हैं लेकिन उनकी जड़ें हवा में लहराती रहती हैं, और हवा से नमी ये मॉइस्ट एरिया से लाते हैं जेलिजम में, जहाँ पर सात खूब होती वहाँ रहते हैं। तो ये आर्किड का पौधा, ये ट्री ट्रंक है, ट्रंक ऑफ ट्री, जंगलों में बहुत सारे ट्री हैं उनके ट्रंक पर रंग का ट्रीज, उनके ऊपर में इनकी जड़ें होती हैं, रूट्स होती हैं, ये लटकती रहते हैं और नमी को एब्जर्व करके इनको देते हैं, अपना भोजन बनाते हैं, अच्छे अच्छे फ्लावर इसमें बनते हैं, लेकिन इस पौधे से कुछ देते नहीं, कुछ केवल शेल्टर देते हैं और न तो इनको कोई हार्म करते हैं। तो यहाँ भी इसके ऊपर तो है बटना क्रिएटिंग एनी हार्म, तो आर्किड में तो फायदा है कि ऊपर लटकी हुई तो उसको खूब मॉइस्चर मिलेगा, लेकिन इस प्लांट को कोई नुकसान नहीं है, इसलिए इस तरह के इंटरेक्शन को क्या कहेंगे हम, कॉमन जेलिजम। ऐसे ही देखते हैं कि खेतों में जो जानवर कैटल हैं काऊ बफेलो घास खाते हैं, तो उनके बगल में एग्रेट बर्ड होता है, वो जैसे वो अपने पैरों से फ्लश करते हैं घास को, मुंह से और पैरों से हेड से हटाते हैं, तो इंसेक्ट दिखाई देने लगते हैं, एग्रेट बर्ड खूब इंसेक्ट खाते हैं, तो उनकी मदद से इंसेक्ट इनको खूब मिला, लेकिन उस एनिमल को कोई नुकसान नहीं है। ऐसे ही कॉमन जेलिजम का एक नया एग्जाम्पल यहाँ ये सी एनिमोन है, सी एनिमोन के टेंटाकल्स के बीच में ये जो है क्लाउन फिश यहाँ रहती हैं, तो सी एनिमोन के टेंटाकल्स से इनकी सुरक्षा होती है, लेकिन क्लाउन फिश यहाँ सेफ है और भोजन भी इसको मिल रहा है, तो क्लाउन फिश को तो फायदा है लेकिन सी एनिमोन को कोई नुकसान नहीं ना कोई फायदा। तो यह रहा कॉमन जेलिजम। इसके बाद बच्चों यहाँ कॉमन जेलिजम के बाद म्यूचुअलिज्म का मतलब दोनों को दोनों से फायदा हो, मतलब दोनों को दोनों से फायदा का मतलब इट इज ए टाइप ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन टू इंडिविजुअल इन विच बोथ आर गेटिंग बेनिफिट बाय ईच अदर, दोनों एक दूसरे से फायदा लेते हैं। जैसे लाइकेन, लाइकेन में क्या है, लाइकेन में एंगल पार्ट प्रीवियस लेक्चर वीडियो में मैंने लाइकेन के बारे में दिया है, पॉल्यूशन इंडिकेटर भी है। लाइकेन में स्पेशल टाइप ऑफ एल्गी एंड फंगस कम इनटू कांटेक्ट, क्लोज कांटेक्ट ऑफ ईच अदर, उसमें फंगल पार्टनर एब्जॉर्ब मॉइस्चर फ्रॉम सरफेस एंड प्रोवाइड टू एल्गल पार्टनर, एल्गल पार्टनर सिंथेसाइज फूड एंड दिस फूड इज टेकन बाय बोथ एल्गी एंड फंगस। तो यहाँ पे दोनों एक दूसरे को, एल्गल पार्टनर और फंगल पार्टनर बोथ आर प्रोवाइडिंग बेनिफिट टू ईच अदर। ऐसे ही साइनोबैक्टीरिया नॉस्टाक है, वो फर्न में रहता है, फर्न उसको शेल्टर देता है, एनाबिना एजोला फर्न में रहता है, फर्न उसको शेल्टर दिया हुआ है, लेकिन फर्न को क्या फायदा है, एनाबिना ट्रैप एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन कन्वर्ट इनटू नाइट्रेट, उसको नाइट्रेट बना के देता है। ऐसे ही दलहनी फसलों की जड़ों में आप देखेंगे गांठें होती, ये भी हमने बनाया है,
बायोलॉजिकल फिक्सेशन में इनकी गांठों में जो बैक्टीरिया है राइजोबियम बैक्टीरिया, यह राइजोबियम बैक्टीरिया यहाँ पे सेल्टर लेता है राइजोबियम लेग्यूमिनो सेलर, यहाँ पे क्या लिया सेल्टर दिया इसे इसे दलहनी फसलों की जड़ों से, चना है मटर है इसे यहाँ पे सेल्टर देता है और यहाँ पे सेल्टर दिया न्यूट्रंस लिया, इसके बदले में क्या दिया यह बैक्टीरिया राइजोबियम एटमोसफियर के नाइट्रोजन को कन्वर्ट कर दिया अमोनियम, अब अमोनियम में कन्वर्ट कर दिया तो पौधा लेकर खूब हमारे मेडिसिन बनाता है खूब प्रोटीन बनाता है इसीलिए दलहनी फसलों में प्रोटीन खूब बनती है। तो यह पौधा और यह जो बैक्टीरिया इसके अंदर बैक्टीरिया है दोनों के बीच में सिम्बियाटिक एसोसिएशन है और यहाँ पे कुछ क्लोज एसोसिएशन तो नहीं लेकिन टाइम बीन एसोसिएशन भी होते हैं वो भी म्यूचुअलिज्म है, जैसे कि बहुत सारे फ्लावर हैं फ्लावर एक्सपोज हैं और फ्लावर आर प्रोड्यूसिंग नेक्टर, अब नेक्टर क्यों प्रोड्यूस करते हैं टू अट्रैक्ट द इंसेक्ट और इंसेक्ट वहाँ जाएंगे नेक्टर की खोज में तो नेक्टर तो पाएंगे लेकिन इसके बदले में दे आर ट्रांसफरिंग पॉलन ग्रेन, तो पॉलिनेशन में भी मदद करते हैं और पॉलिनेशन होगा तभी फर्टिलाइजेशन होगा फ्लावर में तभी जाके सीड और फ्रूट बनेंगे, तो इंसेक्ट आर हेल्पिंग पॉलिनेशन ऑफ क्रॉप फ्लावर एंड फ्लावर आर प्रोवाइडिंग नेक्टर टू द प्लांट। तो इस तरह से यहाँ पे दोनों को दोनों से फायदा है, कुछ बर्ड है देखिए फ्रूट को खाते हैं तो फ्रूट से उनको एनर्जी न्यूट्रिएंट्स मिलता है लेकिन खाने के बाद उसका सीड्स भी उनके एलिमेंट्री कैनाल में गया और वहाँ जाके दूर दूर जाके बीट कर देती हैं जो फीकल मैटर तैयार थे सीड वहीं गिर गया और वहाँ फिर जर्मिनेट होकर नया पौधा बन जाता है। तो इस तरह से जो बर्ड्स हैं जो मंकी हैं जो अदर एनिमल है फ्रूट खाते हैं वो इनके सीड के डिस्पर्सल में मदद करते हैं, तो दोनों का दोनों से फायदा हो रहा है, इंसेक्ट का फ्लावर से फायदा हो रहा है इट इज गेटिंग नेक्टर एंड प्लेइंग इंपॉर्टेंट रोल इन पॉलिनेशन। तो अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यह को इवोल्यूशन है, कोई भी आर्किड का फ्लावर है इसके फ्लावर के जो पेटल्स हैं वो बिल्कुल फीमेल बम्बल बीज की तरह हो गया है, ये फीमेल बम्बल बीज के आकार का पेटल्स क्यों बना लिया ताकि इट विल अट्रैक्ट द मेल बम्बल बीज और जब मेल बम्बल बीज आएगा ये फीमेल समझ के तो वहाँ पे कोकुलेट सीडो कोकुलेट्स करेगा और वहाँ पे पालन ग्रेन उससे अटैच रहेंगे फिर दूसरे पे जाएगा वहाँ पालन ग्रेन पहुँचाएंगे फिर तीसरे, इस तरह से मेल बम्बल बीज ट्रांसफर द पालन ग्रेन फ्रॉम वन फ्लावर टू अनदर फ्लावर एंड हाउ दिस प्लांट आर अट्रैक्टिंग बाई डेवलपिंग देयर पेटल्स लाइक ए फीमेल बम्बल बीज। अब ये को इवोल्यूशन क्यों कहा गया है, को इवोल्यूशन इन ओफ्रिस आर्किड, ये ओफ्रिस आर्किड में को इवोल्यूशन है मतलब इसका पेटल सिमिलर टू बम्बल बीज फीमेल, क्यों अगर मान लीजिए कि बम्बल बीज फीमेल का कलर चेंज हो जाए तब तो इस कलर से तो मेल अट्रैक्ट नहीं होगा तब यहाँ भी चेंज करना पड़ेगा, मैंने फीमेल बम्बल बीज का जो कलर था वैसा ही इन्होंने अपना कलर पेटल का बनाया ताकि मेल को अट्रैक्ट कर सके फॉर द पॉलिनेशन, सो दिस इज को इवोल्यूशन एंड म्यूचुअलिज्म। यहाँ लाइकेन देखिए, लाइकेन सिम्बियाटिक एसोसिएशन बिटवीन ए स्पेशल ग्रुप ऑफ एल्गी एंड फंगस, ये सतह पे है ये सतह पे है पेड़ की छालों पे है दीवालों पे है और लाइकेन पॉल्यूशन इंडिकेटर का काम करता है, ये क्या करते हैं इनमें फंगल पार्टनर एब्जॉर्ब मोशन एंड प्रोवाइड एल्गी एंड एल्गल पार्टनर सिंथेसाइज फूड मटेरियल यूज्ड बाय बोथ, तो यहाँ लाइकेन में सिम्बियाटिक एसोसिएशन म्यूचुअल एसोसिएशन है दोनों में, उसको सिम्बियाटिक एसोसिएशन भी कहेंगे एल्गल पार्टनर और फंगल पार्टनर के बीच में। अब यहाँ पे देखिए फिग ट्री एंड पॉलिनेटर्स स्पीसीज, यहाँ भी म्यूचुअलिज्म, फिकस बरगद में जब इनका इन्फ्लोरिशेंस, ये इन्फ्लोरिशेंस है, इन्फ्लोरिशेंस का मतलब यह एक तरह का हाइपेथोडियम टाइप ऑफ इन्फ्लोरिशेंस, एक फ्लावर नहीं है इसके अंदर में ढेर सारे फ्लावर अंदर है, यहाँ पे ढेर सारे फ्लावर है और मेल फ्लावर और फीमेल फ्लावर यहाँ पे है दूर दूर, अब यहाँ पे पूरा थैलेमस इनका घेरा हुआ है, तो जैसे था अब फीमेल बीज जो वैस्प है वैस्प आए पॉलिनेटर्स उन्होंने अपना एगलेज कर दिया और यहाँ पे एगलेज कर दिया और एगलेज जब करेंगे तो यहाँ पे क्या है यहाँ पे एक हाइज आउट होकर के प्रॉपर डेवलप हो जाएंगे, कोई असुरक्षा की बात नहीं है, वो लार्वा में बदलेंगे फिर एडल्ट में और जैसे लार्वा बदलेंगे इसके पालन ग्रेन को भी खाते हैं, तो वैस्प ने इसमें पॉलिनेशन कराया और दूसरे सेफली अपने एग्स को लेज कर दिया और यहाँ पे उसके एक सेफली जो है वस्तु बदल गए और जब ये फ्रूट पक जाता है तो उसमें से वो कीड़े निकलने लगते हैं, ये जो कीड़े दिख रहे हैं निकल रहे हैं आप बरगद का पीपल का पकड़ का फ्रूट देखें तो उसमें से कीड़े निकलते हैं, क्यों जब वो अभी डेवलप हो रहा था इन्फ्लोरिसेंस इसके अंदर फ्लावर है ढेर सारे हाइपोथेरिस का हाइपोथोडियम टाइप इन्फ्लोरिसेंस है उसी समय एक लेज हो गए थे और यहाँ पे
जो है सेफली डेवलप हो गए, तो वह उसने पॉलिनेशन कराया, दूसरे उसके एग्स सेफली यहाँ डेवलप होकर के फिर से वह इसमें बदल गए। सो बोथ आर हेल्पिंग टू ईच अदर। अब यहाँ पे कुछ क्वेश्चन है, एमेनजेरिजम एक और बच्चा है, लास्ट है, इसको देख लेते हैं। एमेनजेरिजम क्या है? एंटीबायोसिस उसको कहते हैं। एमेनजेरिजम माने एंटीबायोसिस, 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 एमेनजेरिजम। एमेनजेरिजम, एमेनजेरिजम क्या है? टू स्पीसीज आर इंटरेक्टिंग इन सच वे दैट वन इज गेटिंग हार्म बट अदर इज नाइदर गेटिंग बेनिफिट नॉर हार्म। तो एक को तो हार्म हुआ, जैसे यहाँ पर कटिविस में कल्चर मीडियम में यहाँ पेनिसिलियम नोटेटम है और यहाँ पे पेनिसिलियम नोटेटम है, यहाँ पे बैक्टीरिया है, तो बैक्टीरिया को पेनिसिलियम नोटेटम ने, पेनिसिलियम नोटेटम इस तरह का होता है, एक फंगस है और यह ऐसे, यह पेनिसिलियम नोटेटम और यहाँ पे जो है एक तरह का केमिकल निकालता है वह पेनिसिलिन उसको कहा जाएगा। अब यह जो है केमिकल इस बैक्टीरिया को किल कर देगा, तो पेनिसिलियम ने केमिकल निकाल के बैक्टीरिया को किल कर दिया, लेकिन पेनिसिलियम ने इसमें कोई फायदा नहीं, तो वन इज गेटिंग हार्म बट अदर इज गेटिंग अदर बेनिफिट नॉट हार्म। अब एक क्वेश्चन यहाँ पे है, इंटरेक्शन बताइए किस तरह का है, जैसे कस्कुटा ग्रोमिंग ऑन ए सू फ्लावर प्लांट, तो ये पैरासिटिजम है, कस्कुटा टोटल स्टेम पैरासाइट है। माइक्रोजेज लिविंग ऑन द रूट ऑफ हायर प्लांट, हायर प्लांट के रूट में फंगल माइसिलियम होते हैं, कोर्टिकल कोर्टेक्स से एसोसिएशन बनाते हैं और सॉयल में से फास्फोरस नाइट्रोजन कंपाउंड ये सब एब्जॉर्ब करके प्लांट को देते हैं, और कुछ ऑर्गेनिक मैटर है उसको भी अपने एंजाइम से डिकम्पोज करके फिर एब्जॉर्ब करके प्लांट को देते हैं। प्लांट को क्या फ़ायदा है? उससे न्यूट्रिएंट्स को मिला, और फंगस क्या फ़ायदा है? उसको कॉर्टिकल टिश्यू से बना बनाया भोजन मिलता है। तो माइक्रोराइजा हमने अलग से लेक्चर वीडियो दे दिया है, आपको देख लीजिए। क्लाउन फिश लिविंग अमंग द टेंटाकल्स ऑफ सी एनिमल बताया था कि ये भी एक प्रकार का कॉमन जेलिजम है सी एनिमल को, तो कोई फायदा कोई नुकसान नहीं, लेकिन क्लाउन फिश वहाँ सेफ है। क्वेल लेइंग एग्स इनटू काउ क्रोज नेस्ट, तो ब्रूड पैरासिटिज्म है। फाइव प्रोजेनी रिलेटेड स्पीसीज ऑफ वार्बलर्स लिविंग अंडर सेम ट्री, वार्बलर्स की सेम ट्री, लेकिन उसमें कंपटीशन विथ रिसोर्स पार्टीशनिंग, तो वहाँ पे रिसोर्स पार्टीशनिंग है, मतलब फॉरेजिंग टाइम चेंज कर दिया, इसलिए कंपटीशन रिड्यूस हो गया। तो दिस इज ऑल अबाउट द इंटरेक्शन अमंग द ऑर्गेनिज्म। थैंक यू वेरी मच।